100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका, एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान शहर के आनंद नगर स्थित यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉन्सेप्ट क्लास के डायरेक्टर अबुल लैस, प्रोफेसर रविंद्र पाठक, प्रोफेसर अरविंद श्रीवास्तव, गणेश दत्त पाठक, PM सुलेमानी, प्राचार्य आशुतोष नंदन, डॉक्टर जाहिद शिवानी और जफर कमाल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि ये विद्यालय बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम कर रहा है। यहाँ के बच्चे काफी अनुशासित और संस्कारवान हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण के साथ बेहतर शिक्षा देने का जो कार्य किया जा रहा है काफी सराहनीय है। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। सो प्लीज गिव दिस वेलकम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर चीफ गेस्ट। टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से सेंटर पॉइंट चकिया। दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, ये खुदा की मेहरबानी है, बच्चों की कोशिश, खुदा की मेहरबानी है, बच्चों की किसी जितना जद्दोजहद किए कोई नहीं कर पाता है, शौक में लग जाता है, तालीम की तरफ नहीं जाता है, वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन बच्चों ने हमारी मेहनत के दो पैसा कमाने से लेकर और तालीम के लिए दम हमेशा आगे बढ़ते रहे, ये खुदा की मेहरबानी है। खुशी इस बात की है कि इन लोगों वजह से हम भी जो नाचीज थे सामने लोग चीज नजर आने लगे, इन लोगों की वजह से हमेशा रन करता है, हमेशा रन कर भूलते नहीं। क्या करके बच्चों को पढ़ाया था? मेरा तो शक्कत 62 साल चक्की चला, बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं टूटी थी, लेकिन इन लोग आबरूजी जो करते थे तब बोले अब्बा आबरू जा रही है, लोग समझते नहीं है, ये समझते हैं कि हम लोग आपको नहीं समझते हैं, बंद कीजिए, तब इन लोग के करीब 3-4 साल हम बन गए, 62 साल चला चुके थे, अभी हमारी हिम्मत नहीं हटी थी, लड़के लोगों ने हटवाया खुशी होती है। तो अब इससे बढ़ के क्या हुई, सहूलत के साथ सहूलत बेहतर है, अब सब देते इस जमाने में कदर हुई, ये बहुत कीमती चीज जो जमाने में कदर है। जी आज का जो प्रोग्राम है ये एनुअल डे सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, एक लंबे सिलेबस पीरियड के बाद और बच्चों के एग्जामिनेशन के पीछे दौड़े इधर उधर दौड़े, तो एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, और जैसे मैंने कहा कि 2016 में हमने स्कूल को लॉन्च किया था और आज 2023 है, तो एक 8 साल का एक लंबा सफ़र चला जो एजुकेशन के फील्ड पे, और जो है उसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे बच्चों की जो एक्साइटमेंट है
वो बयान नहीं किया जा सकता है कि कितनी खुशी है और कितने मेहनत से उन्होंने तैयारी की है इस दिन के लिए। तो ये काबिल तारीफ है और मकसद यूनिटी का एक ही है कि समाज के अंदर परिवर्तन लाए और अपने एक अच्छी एजुकेशन दे करके अफोर्डेबल फी के साथ में दें, है ना, ताकि नॉन सेल्फ डिनाइड का जो हम लोग विजन लेके चलते हैं कि ताकि वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो सभी पढ़े। जैसे मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अपने एग्जाम्पल में लेकर के चलता हूँ, अपने भाइयों के एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ कि एक गरीब बाप जो आटा चक्की चला करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है ना, और इंजीनियर बना सकता है, तो फिर और बच्चे क्यों नहीं बनेंगे, उनको भी अधिकार है, चाहे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या इस तरह। तो यूनिटी इस पर बिलीव करता है। जी आज के कार्यक्रम में हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लास के जो डायरेक्टर हैं पटना के अबुलैद साहब वो आए हुए हैं और मचकना हाई स्कूल के प्रिंसिपल आशुतोष नंदन सर आए हुए हैं, एडवोकेट कबीर आए हुए हैं, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं और ये चीफ गेस्ट के साथ साथ हमारे स्कूल के एडवाइजरी काउंसलर भी हैं जो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं कि स्कूल पे कहाँ कमी हो रही है और कहाँ पे हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है और क्या हमें डिलीवर करना है बच्चों को। तो उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी प्रेजेंस में यूनिटी और आगे चल करके अच्छा करेगा। ये यूनिटी जो अच्छा काम कर रही है, आप वाइब देख रहे हैं कितना कलरफुल है, चेयरफुल है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और जो समाज में जो हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे वो ये शुरुआत आपको दिख रही है कि हम लोग कोने कोने से अच्छे बच्चों को जो नीडी है उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, उनको हम स्टेम बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं, वो यहाँ करके सीख रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इस विद्यालय में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के बच्चों को एकदम से लाइव क्लासेस दे रहे हैं, इससे उनके अंदर जो जिज्ञासा है और जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है और ये जो काम यूनिटी कर रही है बहुत काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। मैं आशुतोष नंदन, मैं हेड मास्टर हूँ अपग्रेडेड हाई स्कूल मचकना। देखिए समय बदल रहा है, तकनीकी परिवर्तन का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आज के दौर में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें इस तरह के जो एनुअल डे फंक्शंस होते हैं, जो विज्ञान मेला वगैरह होता है, ये सब करने से बच्चों में जो रचनात्मकता है, जो सृजनात्मकता है, उसकी बढ़ोतरी होती है और ये होते रहना चाहिए। और यूनिटी ने ये प्रयास के एनुअल डे बनाने का बच्चों को पार्टिसिपेट दे रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो शुरू से यूनिटी से जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद एक यूनिटी की मेम्बर हूँ। तो अभी जो आप प्रोग्राम देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जितने भी प्रोग्राम हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो एक ना एक मैसेज के लिए, एक सोसाइटी में एक मैसेज है और सारे प्रोग्राम्स एंटरटेनमेंट के साथ साथ थीम बेसिस पे, और इसमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों ने खुद से लिखे हैं, खुद क्रिएट किए हैं, ड्रामास वगैरह उनके खुद के थाट्स हैं जो वो लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं। ये हमारा जो पर्पस था कि बच्चों में सोसाइटी में अवेयरनेस लाना, तो लोगों को एजुकेट करना, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होते दिख रहा है, इन बच्चों के थ्रू दिख रहा है, लोगों के थ्रू दिख रहा है। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइंग विथ आवर वर्क्स। बाकी लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये मैसेज हमारे बच्चों के थ्रू जाएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शाहनवाज का, अबरार साहब का, हामिद साहब का, जिनके एफर्ट से इतना अच्छा प्रोग्राम ये शुरू हुआ, एनुअल डे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया। स्कूल के एनुअल डे फंक्शन कराने के पीछे मकसद ये होता है कि हम स्कूल के साल भर में या मैंने उस टाइम पीरियड तक बच्चों को क्या दिया, टीचर से क्या लिया, या उस स्कूल का फीडबैक पेरेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स के जरिए कैसा रहा है, उस बात का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग एनुअल डे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है एनुअल डे सेलिब्रेशन, जो यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के न्यू प्लेग्राउंड के कैंपस में कराया जा रहा है, इस प्रोग्राम का कराने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर के और सोशल थीम पर जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इससे वो डायरेक्ट समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया, जो आज का जनरेशन जो जेन जी है वो बहुत तादाद में यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ख़राब चीज़ है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले ख़राब हो रहे हैं, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं।
तो टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज़ करें जितना हमारे ज़रूरत है। तो इस पर बच्चे सोशल मीडिया एडिक्शन पे परफॉर्म कर रहे हैं और मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम तमाम लोगों के लिए इंटरनेट फ़ायदे का चीज़ है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम लोग गलत दिशा में ना करें। और यूनिटी हमेशा बच्चों को ऑलराउंड ग्रोथ कराने के लिए तत्पर रहती है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे हर फील्ड में एक्सीलेंट बने, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट में, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। तो इस प्रोग्राम का एक जो थीम है वो बेसिकली समाज को का एक आईना है, जो ये मैसेज देना चाहती है कि हम चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है तो उसका राइट यूज़ करें, टेक्नोलॉजी है तो उसका प्रॉपर यूज़ करें। तो मकसद ये है कि बच्चों के अंदर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी डेवलप हो, क्योंकि कुछ बच्चे माँ बाप की तरबियत में भी परफॉर्म कर रहे हैं कि कैसे माँ बाप की खिदमत करनी है, उनका अदब करना है। और इसमें पेरेंट्स के भी मैसेज है कि अपने बच्चों को सही तरबियत दें। अच्छा, एनुअल डे के मौके पर फैकल्टी के रूप में कौन से लोग आए हुए थे? हाँ, चीफ गेस्ट में अबू लैस सर हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर हैं और बहुत ही रेनाउंड फिजिक्स के टीचर हैं, जो हमारे स्कूल के चेयरमैन सर डॉक्टर शाहनवाज आलम सर के भी टीचर रहे। तो हम बेसिकली इस एनुअल फंक्शन पे फेलिसिटेशन सेरेमनी भी कर रहे हैं, जिनमें तमाम टीचर्स को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं जो समाज में अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम चाहते तो एलम स्टडी बॉडी को भी सम्मानित कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को अगर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग टीचर्स को सम्मानित करने का ये एक पहल किए हैं। ठीक है, मेरा नाम हामिद अली हुआ, प्रिंसिपल यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल।